नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री के एक लेसन की जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। दोस्तों बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की या रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। इसी का एक दूसरा नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो कहीं कहीं आपको ऑक्सीकरण अपचयन मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से ये लेसन मिल जाएगा। दोस्तों इसमें हम इसके पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा होती है, वो सारी चीज़ें हम आज के पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों ट्रिक से अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और सीखना है कॉन्सेप्ट कि कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या को ट्रिक से निकाल सकते हैं और देखते देखते निकाल सकते हैं, तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, इसमें की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कैसे करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो भी बड़े ही टेक्निक से, बड़े ही ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, तीन चार बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है, और उन तीन चार बातों के आधार पर आप ये जितनी भी रिएक्शन देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, वो सारी रिएक्शंस को आप आराम से बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि बैलेंस करते कैसे हैं या फिर बैलेंस कब होती है, कब नहीं होती रिएक्शन। तो देखिए, कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, तो चलिए आइए देखिए। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, MnO4- है, Fe है, डबल प्लस है, एक एच प्लस है, और ये Mn डबल प्लस है, और ये Fe 3+ है या 3+ है, और फिर ये H2O है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी रिएक्शन को देखना है, ठीक है, और पूरी रिएक्शन में एक बार Mn इधर है तो एक बार इधर है कि नहीं। अगर इधर भी एक है, उधर भी एक बार है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। मतलब अब ऑक्सीजन को देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन उधर कितना है, 4 है, लेकिन इधर कितना, 1 दिख रहा है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। एक Mn इधर, एक Mn इधर, तो ये Mn तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना है। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि आप रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, देखिए एक Mn है, एक Mn इधर है, मैग्नीज होता है, ठीक है। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, तो 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, लेकिन इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है, केवल 2 ऑक्सीजन और एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आपको इस रिएक्शन को संतुलित करना है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का दो तरीका बताया जाता है इस लेसन में। एक होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। लेकिन दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ये आपको आती नहीं है और इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको टेक्निक बताते हैं। देखिए, 4 चीज़ों को आपको याद रखना है। जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने जाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, तो आपको 4 चीज़ कम से कम याद रखना, नहीं तो 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहला कौन सा चीज़ है, सबसे पहले जिस रिएक्शन को आप बैलेंस करने जाएंगे ना, उस रिएक्शन को दो भागों में बांटेंगे आप, ठीक है। मतलब दो भागों में कैसे बांटेंगे, दो भागों को कहते हैं अर्ध अभिक्रिया। मतलब कि जैसे अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को दो भागों में बांटेंगे, मतलब दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांटेंगे, ठीक है। चलिए शुरू भी कर देते हैं। देखिए, एक इस पूरे रिएक्शन को दो भागों में कैसे बांटेंगे, देखिए आपको इस H को नहीं देखना है, ठीक है, इस H2O को नहीं देखना है शुरू में। अब देखिए, ए Mn इस Mn में बदल रहा है, ये Fe इस Fe में बदल रहा है, ठीक है। तो हमको इस रिएक्शन को दो भागों में जब लिखना रहेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे MnO4, मतलब ये जैसे रहेगा वैसे ही लिख लेंगे, और ये बदल रहा है इसमें, तो इसको हम लिख लेंगे सीधा Mn2+, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है, इधर लिख देते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके समझने के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, ये लिखा गया इसमें, अब दूसरा बाकी है, ये इसमें बदल रहा है, मतलब ये Fe डबल प्लस ट्रिपल प्लस में बदल रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए सीधे Fe डबल प्लस, ये बदला किस में, Fe3+ में। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या किए हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब जिसको संतुलित करना है, उसको दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बट गया। अब दूसरे नंबर पे आपको ऑक्सीजन देखना है, याद रखना है कि दूसरे नंबर पे आपको ऑक्सीजन देखना है, और जिधर ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है, उसके विपरीत, मतलब कि जिधर ऑक्सीजन रहेगी उसके विपरीत, या जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर H2O जोड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, हाइड्रोजन, और चौथे नंबर पे क्या देखेंगे, आयन, और फिर पाँचवें नंबर पे दोनों रिएक्शन को जोड़ना है। फिर से सुन लीजिए सारी बातें, जिनको ध्यान में रख करके हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उनमें से पहली बात कौन है, दी गई रिएक्शन को दो भागों में बांटेंगे, दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन को देखकर H2O लगाएंगे,
तीसरी बात क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को देखेंगे, और चौथी बात क्या है, आयनों को देखेंगे, पांचवा काम क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। देखिए इधर पहला काम हम लोग कर चुके, दूसरा काम है ऑक्सीजन को देखना। इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे चार ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर कितना ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हम जिधर ऑक्सीजन है उधर कुछ नहीं करेंगे, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर H2O जोड़ेंगे हमेशा, H2O, और एक H2O जोड़ेंगे ना तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया। इधर कितना ऑक्सीजन था, चार, इधर कितना, एक है, तो यहाँ पर अगर हम चार H2O जोड़ दें तो चार ऑक्सीजन हो गया, चार ऑक्सीजन हो गया। तो पहला काम दो भागों में बांटे, दूसरा काम ऑक्सीजन को देख कर H2O लगा दिए, ठीक है। तीसरा काम हाइड्रोजन को देखेंगे। अब देखिए जब H2O इधर जोड़े हैं तो चार दुना आठ हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देखिए H2O में चार ऑक्सीजन है और चार दुना आठ हाइड्रोजन है। इस आठ हाइड्रोजन को हम यहाँ पर हमेशा 8H+ करके लिखते हैं, ये H को हमेशा जब अकेले लिखेंगे H को ना तो प्लस करके, क्यों, क्योंकि H2O में H और OH होता है, यही H2O है, तो इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है, तो ये चार दुना आठ हाइड्रोजन है, तो यही आठ हाइड्रोजन हम इस तरह से H+ करके लिख देंगे, ठीक है। ये आठ हाइड्रोजन कहाँ से आया, इधर H2O लगाए हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए चार गुना आठ हाइड्रोजन बढ़ा था, वही हाइड्रोजन इधर है। अब देखिए इधर है ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन भी देख ले दोनों में। अब तीसरा काम क्या करना, हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन इधर बढ़ रहा था तो इधर लगा दिए, तो ये भी खत्म, इसमें हाइड्रोजन है नहीं तो ये भी खत्म। अब चौथा काम क्या करना है, आयनों को देखना है और इलेक्ट्रॉन की सहायता से बदलना है, मतलब बैलेंस करना है। देखिए क्योंकि इस विधि का क्या नाम है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, मतलब जब भी इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो किसकी सहायता से, आयनों मतलब इलेक्ट्रॉनों की सहायता से आयनों को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉनों की सहायता से आयनों को बैलेंस करना है। देखिए इधर कुल कितना धनावेश है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में इस तीर के इधर कुल कितना धनावेश या ऋणावेश हो रहा है, जितना इधर हो रहा उतना इधर भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर देखिए ये कितना प्लस है, छोड़िए पहले इसमें देखिए माइनस है, कितनी बार माइनस है, एक बार माइनस है, यहाँ पर देखिए प्लस है, कितनी बार प्लस है, एक बार दिख रहा है, लेकिन इस ऐसी जगह पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है तो एक प्लस नहीं है ये, देखिए अगर यहाँ आठ नहीं रहता तब ये एक बार प्लस रहता, मतलब यहाँ पर ये H+ कितनी बार है, आठ बार है, इसलिए आठों पर एक एक प्लस है, मतलब आठ प्लस हुआ एक माइनस हुआ, आठ प्लस एक माइनस जोड़ दीजिए कितना बचा, सात प्लस बचा, सात प्लस इधर है, इधर कितना प्लस दिख रहा है, केवल दो प्लस दिख रहा है, तो इधर इधर सात है, इधर दो, मतलब इधर पाँच ज़्यादा है, पाँच ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है, पाँच प्लस ज़्यादा है, तो पाँच इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, जब पाँच इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना तो पाँच माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो यहाँ पर पाँच माइनस हो गया। अब देखिए दोनों और आयन बैलेंस है कि नहीं, पाँच माइनस हो गया, एक माइनस, छः माइनस हो गया और आठ प्लस, आठ प्लस छः माइनस बराबर कितना बचा, दो प्लस इधर बचा और दो प्लस इधर है, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आयनों को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर FI के पास दो प्लस है और इधर तीन प्लस है, तो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा, इधर तीन है, इधर दो है, तो इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से एक लिखा नहीं जाता, छुपा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि इधर माइनस आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा तो ये एक माइनस एक प्लस को मार देगा, मतलब तीन प्लस एक माइनस को जोड़ दीजिए कितना आएगा, दो प्लस, दो प्लस इधर हो गया, दो प्लस इधर हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सब कुछ बराबर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। अब जब सब कुछ हम लोग देख ले, पहले क्या किए, दो भागों में बांटे रिएक्शन को, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन देखे हैं, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन देखे, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉन देखे हैं, ठीक है, मतलब आयन देखे हैं, तो अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन की बैलेंस हो गई, बस इलेक्ट्रॉन का लोचा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे समीकरण में क्या कर दें कि यहाँ भी पांच इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए हमको यहाँ समीकरण दो में पांच से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण दो में पांच से गुणा करने पर, तो अब क्या हो जाएगा, इधर भी गुणा हो जाएगा पाँच, इधर भी गुणा हो जाएगा, पहले यहाँ पर कितना था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब एक था, तो एक में जब पाँच का गुणा करेंगे तो पाँच हो जाएगा, यहाँ भी एक में पाँच से गुणा करेंगे पाँच हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कर देंगे, एक था पाँच से गुणा कर देंगे तो पाँच हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को जोड़ देंगे तो तीर के इधर वाला इस तीर के इधर वाले के साथ जुड़ेगा और तीर के उधर वाला इस तीर के इधर वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर इसको लिखिए MnO4 माइनस, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिख लीजिए क्योंकि ये पहले है ना, पाँच Fe डबल प्लस, फिर इसको लिखिए 8H+, ठीक है,
फिर तीर लगा दीजिए, अब इधर वाला लिख दीजिए, तो एम एन है, फिर एफ ई है, तब इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो एम एन डबल प्लस फिर पाँच एफ ई तीन प्लस फिर फोर एच टू ओ फिर पाँच इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखिए ये आपका जो समीकरण आया ना, इसमें पाँच इलेक्ट्रॉन इधर भी है दोनों कट जाएगा। अब आपका कितना बच गया, इतना बच गया, ठीक है। तो ये जो बचा है ना, यही आपका संतुलित समीकरण है। देखिए इतनी आसानी से संतुलित हो गया, तो चलिए चेक भी कर लेते हैं क्या संतुलित है। देखिए एक एम एन इधर है, इधर भी एक एम एन है, चार ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, ठीक है, पाँच एफ ई इधर है, पाँच एफ ई इधर भी है, ठीक है, पाँच एफ ई इधर भी हो गया, आठ एच इधर, चार गुना आठ एच इधर भी हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए, अब आपको सारी टेक्निक मालूम हो गई है, तो उसी ट्रिक की सहायता से हम लोग इसको भी चंद सेकंड में करते हैं बैलेंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए इसमें भी ध्यान में रख के करते हैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलिए ये वाला देखिए, इसमें बदल रहा है और ये इसमें बदल रहा है, एच प्लस एच टू ओ को आप ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक बाद में बैलेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए एम एन ओ फोर माइनस बदला किस में, एम एन डबल प्लस में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ आपको, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है और सीधे सीधे इस पूरे लेसन से छः नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है ये पढ़ना आपको, ठीक है। ये देखिए सी टू ओ फोर बदल रहा है इसमें, तो सी टू ओ फोर डबल माइनस ये बदल रहा है किस में, सी ओ टू में। दोस्तों मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये आएगा ना तो सीधे तीन या चार नंबर में ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए एक ये दूसरा तीसरा ये चौथा ये, अगर चार बता दिया ना तो इसी में से आपको फंस भी जाएगा, ठीक है। चलिए देखते आगे, तो ये हो गया दो भागों में बांट दिया, इस रिएक्शन को दो भागों में लिख दिया, ये समीकरण नंबर एक हो गया और ये समीकरण नंबर आपका दो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं दूसरे नंबर पर, यह एक एम एन है, एक एम एन इधर भी है, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए चार ऑक्सीजन इधर लेकिन इधर नहीं है, तो चार एच टू ओ इधर जोड़ देंगे, ठीक है, चार एच टू ओ, तो चार दोनों आठ हाइड्रोजन बढ़ गया, अब आठ हाइड्रोजन इधर एच प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, एक माइनस है, इधर आठ प्लस है, तो वही वाली ऊपर वाली बात हो गई कि आठ प्लस है और एक माइनस है, तो सात प्लस इधर है, इधर दो प्लस है, तो इधर क्या करेंगे हम, पाँच इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अब इधर पाँच माइनस एक माइनस छः माइनस, और यहाँ पे आठ प्लस था, आठ प्लस छः माइनस कितना हुआ, दो प्लस, दो प्लस इधर बच रहा है, दो प्लस इधर बराबर हो गया। अब देखिए इसमें कार्बन कितनी बार है, दो बार है, यहाँ कार्बन एक बार है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आगे दो लगा दीजिए, अब यहाँ पे दो कार्बन हो गया, दो कार्बन यहाँ भी हो गया, चार ऑक्सीजन इधर था, दो दुना चार ऑक्सीजन इधर भी हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दो माइनस है, इधर कोई माइनस नहीं है, तो इधर इसीलिए हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने से क्या होगा, दो माइनस इधर भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनों की सहायता से आयनों को बैलेंस करना है, जो भी ये आयन है ना, धन आयन या ऋण आयन है, उनको इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बैलेंस करना है, हो गया। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने के ठीक पहले एक काम आपको करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आपको बराबर करना है, इसके लिए आपको किसी संख्या से गुणा करना पड़े ना, तो कर दीजिए। देखिए इसमें पाँच इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, तो क्या करेंगे, इसमें दो से गुणा कर देते हैं, मतलब पूरे समीकरण में दो से गुणा, मतलब समीकरण एक में दो से गुणा करने पर जो आएगा आप तीसरा समीकरण भी बना सकते हैं, और समीकरण दो में किससे, पाँच दुना दस, मतलब पाँच से गुणा कर देते हैं समीकरण दो में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पाँच में दो से गुणा हो रहा है, तो पाँच दुना दस इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक था, तो पाँच से गुणा करेंगे तो पाँच हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अरे सॉरी दो से कर रहे ना, तो दो हो जाएगा, और यहाँ पर दो से करेंगे तो दो अठे सोलह हो जाएगा, ये वाला प्लस इधर कर देते हैं, सोलह एच प्लस हो गया। अब देखिए दो से कर रहे हैं तो यहाँ टू एम एन हो जाएगा, और दो से कर रहे हैं तो दो चौका आठ हो जाएगा, इधर भी होगा उधर भी होगा गुणा, ठीक है। अब देखिए इसमें पाँच से कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं था, पाँच कम पाँच हो गया, यहाँ पे पाँच दुना के दस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पाँच दुना के दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दस इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दस इलेक्ट्रॉन इसमें आया, चाहे तो आप ऊपर काट सकते हैं या नीचे भी काट सकते हैं। अब देखिए क्या बचा, टू एम एन ओ, टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सोलह एच, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से सुन लीजिए, फिर इधर का देखिए क्या हो जाएगा, पाँच सी टू ओ फोर डबल माइनस, फिर तीर है, फिर ये टू एम एन डबल प्लस, ठीक है, फिर ये देखिए दस सी ओ टू, दस सी ओ टू और प्लस आठ एच टू ओ, इसीलिए एच टू ओ को और एच को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि ये देखिए एच भी बैलेंस हो गया, एच टू ओ भी बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर से एक रिएक्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है, और
इसको हम लोग बैलेंस करेंगे किस विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर कभी कभी Cl2 दे देता है, कभी कभी Br2 दे देता है, कभी कभी I2 देता है। तो ये I2 है ना, क्योंकि हाइलोजन होती है, देखिए हाइलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन भी आती है, क्लोरीन भी आती है, ब्रोमीन भी आती है, आयोडीन भी आती है। तो यहाँ पर किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब I2 है या Br2 कर दिया या Cl2 कर दिया या F2 कर दिया, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर रख कर आपको ये रिएक्शन देता है, ठीक है। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे MnO4 है, फिर Fe2+ है, और यहाँ पे Mn++ है, Fe3+ है, H2O है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करने चलते हैं तो सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि ये इसमें बदल रहा है, ये Fe इसमें बदल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए ये रिएक्शन समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा देखिए फार्मूला क्या है, हमारा जो नियम है वो क्या है। सबसे पहले जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो नियम है, उसमें सबसे पहला है कि दी गई अभिक्रिया को दो भागों में बांटिए। दूसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन को देखिए, और ऑक्सीजन अगर जिधर कम है या नहीं है उधर H2O जोड़िए। तीसरे नंबर पे क्या है कि हाइड्रोजन को देखकर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। चौथे नंबर पे क्या है कि आयनों को देखकर इलेक्ट्रॉन जोड़िए घटाइए। अब पांचवें नंबर पे क्या है कि दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। देखिए अब इसमें दो चीज़ें नहीं है, ये रिएक्शन आपकी इतनी है, लेकिन इसमें इसकी तरह दो चीज़ें नहीं है, MnFe नहीं है। तो इसमें देखिए यही एक बार इसमें बदलेंगे और यही एक बार इसमें बदलेंगे, मतलब क्या होगा, ये I2 आपका एक बार इसमें बदलेगा IO3- माइनस में, और यही I2 आपका दूसरी बार किस में बदलेगा, I- में बदलेगा। ये हो गया समीकरण नंबर एक, ये हो गया समीकरण नंबर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, पहला काम हो गया, दूसरा काम क्या होता है, ऑक्सीजन को देखते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कितना आई है, सबसे पहले आई देखिए, आई मतलब आयोडीन, ठीक है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको मालूम होगा, याद करिएगा। आई दो बार है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर आई के आगे दो लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि दो बार आयोडीन यहाँ, दो बार यहाँ भी हो जाएगा। वही काम यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ दो बार है, यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ पे दो लगा लीजिए, हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, 3×6 ऑक्सीजन इधर हो गया, किधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 6H2O जब जोड़ देंगे यहाँ पे, 6H2O जोड़ दीजिए, जोड़ना मतलब प्लस कर दीजिए, ठीक है, इधर नहीं प्लस इधर कर दीजिए, 6H2O कर दिया ना, तो 6 ऑक्सीजन इधर आ गया, और 3×6 ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस हो गया। 6×12 हाइड्रोजन इधर आ गया लेकिन उधर नहीं है। तो मैं आपको बोला था पिछली वीडियो में कि जब भी इधर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो उधर हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन H+ करके, तो 6×12 हाइड्रोजन इधर है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे कर सकते हैं, 12 हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर आयन कितने हैं, इधर कितने आयन हैं, इधर देखिए दो बार माइनस है, ये तीन से कोई मतलब नहीं है। जब आपको माइनस देखना है ना, तो फिर आगे देखना कितना, क्योंकि जो संख्या इधर रहती है वो सब में रहती है। अगर ये दो नहीं रहता तो एक माइनस दिख रहा है, अगर ये दो दिख रहा है तब आपको ये माइनस, एक एक बार माइनस मतलब दो माइनस हो गया, कुल कितना माइनस है यहाँ, दो। और इधर देखिए 12 प्लस है, 12 प्लस और दो माइनस जोड़ दीजिए, कितना बचेगा, 10 प्लस बचेगा, 10 प्लस इधर बचेगा, मतलब ये ख़त्म कैसे होगा, इधर 10 प्लस है, इधर कोई प्लस नहीं है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ दें, ठीक है, समीकरण एक याद रखिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इधर के कुल आवेश के बराबर हो जाते हैं। मतलब 2 माइनस 10 माइनस, 10×2 = 12 माइनस और 12 प्लस, मतलब ख़त्म, इधर कोई आवेश नहीं, इधर भी कोई आवेश नहीं, मतलब आयन बराबर हो गए। इसमें देखिए इस I2 के ऊपर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो आवेश है। यहाँ पर देखिए कितना माइनस है, कुल 2 माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो इधर 2 माइनस लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं आप, दोनों समीकरणों में अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो करिए, नहीं तो जोड़ दीजिए। गुणा करते हैं तो किस शर्त पे करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो गुणा कर क्यों करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जब बराबर रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें। तो देखिए ये समीकरण एक था, ये समीकरण दो है, समीकरण दो में 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5×10 हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जगह कम है, आपके काफ़ी में जगह रहती है, तो इसलिए जब आप गुणा करने के बाद लिखते हैं ना, तो दोनों समीकरणों को नीचे लिखा करिए, मतलब समीकरण दो में 5 से गुणा किया तब जो आया समीकरण 3 होगा वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 से गुणा हो गया, 5×10 हुआ, यहाँ पर 5 से गुणा होगा तो ये 5 आई आगे लग जाएगा, 5 लग जाएगा आगे, और यहाँ पे 5×10, दो पहले था
5 से गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन ये बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जब कट गया तो अब जो बचा उसको जोड़ना है, तीर के इधर वाला इसमें तीर के इधर वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब ये 5 बार आई टू है, 1 बार आई टू है, 5 बार आई टू, 1 बार आई टू, जोड़ दीजिए कितनी बार आई टू हो गया, 6 आई टू हो गया, प्लस एच टू को जोड़ लीजिए इधर 6H2O, तीर लगाइए इधर देखिए 2IO3 माइनस और फिर ये 10I माइनस प्लस ये 12H प्लस, ये आपका संतुलित समीकरण मिल गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, एक बार चेक कर लेते हैं इस बलेन से कि नहीं, 6 × 12 आयोडीन है, यहाँ पर देखिए 2I है, 10I 2I 12I इधर भी हो गया, इधर देखिए 6 × 12 H है तो यहाँ पर देखिए 12H है इधर भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन है तो 2/3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए हो गया ख़त्म, अब इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन को देखेंगे पूरा, और पूरा देखने के बाद इसको दो भागों में बांटेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे, फिर हाइड्रोजन देखेंगे, फिर उचित संख्या से आयनों में गुणा करेंगे और फिर उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी।